तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको लगभग हर एक सेंटेंस में आपको आर्टिकल्स देखने मिलेंगे और इनका जो यूसेज है वो हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप SSC का कोई एग्ज़ाम देते हैं, उसमें इंग्लिश का पोर्शन होता है। आप बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई एग्ज़ाम देते हैं, उसमें इंग्लिश का पोर्शन होता है। आप किसी भी स्टेट के जो SSB होता है उसके लिए एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भी इंग्लिश का कंपोनेंट होता ही है। तो इसी सीरीज़ में आज हम आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्टिकल्स जो होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं, ए, एन और द। और जो ए और एन आर्टिकल्स होते हैं इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है हमारे माइंड में। इनको इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि आप यदि कहते हैं कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कोई भी चीज़ है, तो जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं पेन की, आप कहते हैं मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। लेकिन यदि आप कहते हैं कि मेरे पास, आप डेफिनेटली बता रहे हैं कि मेरे पास रेड पेन है, तो आप बोलोगे आई हैव द रेड पेन। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या डिफरेंस है। तो अब जो यूसेज होगा आपका इनडेफिनेट आर्टिकल्स का, ए और एन का, इसमें आपको ये सिर्फ नहीं देखना है कि वावल और कंसोनेंट के साथ ए और एन लगेगा, बल्कि ये वावल और कंसोनेंट के साथ नहीं लगता, ये वावल और कंसोनेंट साउंड्स के साथ लगता है। फॉर एग्जांपल, जो ए लगता है ये उन अल्फ़ाबेट्स के साथ लगता है जो जिस जिनको बोलने में हमारे स्पीच ऑर्गन्स यूज होते हैं। जैसे हम कहते हैं एप्पल, एप्पल। तो पर्टिकुलरली इससे पहले मैं आपको ये डिफरेंस बता दूं कि वावल और कंसोनेंट में मेजर डिफरेंस क्या होता है। जो वावल्स होते हैं, वावल्स को बोलने में हमारा कोई भी स्पीच ऑर्गन यूज़ नहीं होता है, और जो कंसोनेंट्स होते हैं उनको बोलने में हमारा स्पीच ऑर्गन्स यूज़ होते हैं। अब स्पीच ऑर्गन्स कौन से हो गए? जैसे हमारे लिप्स, तालू, हमारी टंग, हमारा नोज। तो ये, अब बोलो अगर हम बोलते हैं कि ए, ए जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ गहराई से निकलती है और कोई भी स्पीच ऑर्गन यूज़ नहीं होता है। अगर हम बोलते हैं बी, बी में हमारे दोनों लिप्स जुड़ते हैं इसलिए कंसोनेंट हो जाता है। सी, सी में भी जो हमारा टंग है और तालू है ये दोनों मिलते हैं। डी, डी में भी तालू के साथ जीभ मिलती है। ई, जब हम ई बोलते हैं तो हमारा कोई भी स्पीच ऑर्गन यूज़ नहीं होता है। तो यही डिफरेंस है, क्योंकि जिसमें स्पीच ऑर्गन यूज़ होता है वो कंसोनेंट है और जिसमें स्पीच ऑर्गन यूज़ नहीं होता है वो वावल है। तो इसी प्रकार हमको ध्यान रखना है कि ए और एन का जब भी यूसेज करना है, ए का यूसेज वहाँ होगा जहाँ कंसोनेंट साउंड निकलती होगी और एन का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पर हमारी वावल साउंड निकलती होगी। तो इसी प्रकार वावल की साउंड्स जो हैं इंग्लिश में 20 हैं और कंसोनेंट्स की साउंड जो हैं वो 24 हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो अलग अलग यूसेजेस हैं कि किस प्रकार के ए कहाँ यूज़ होता है, बी कहाँ यूज़ होता है, इन अलग अलग के अब हम यूजेज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजेज ऑफ ए आर्टिकल। तो जो सबसे पहला आर्टिकल है, तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस जो इंग्लिश ग्रामर के पार्ट को पढ़ने से पहले आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ये सब क्या होते हैं, इन सब के कंसेप्ट जो हैं आपको पहले से क्लियर होने चाहिए। अब आर्टिकल्स में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जो अपना काउंटेबल नाउन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, मटेरियल नाउन कौन से होते हैं। तो इससे मैं आपको ये पहले सुजेस्ट करूंगा कि आप पहले नाउन, प्रोनाउन और ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये क्लियर करके चलें। तो देखते हैं ए आर्टिकल के यूसेज। तो जो सबसे पहला इसका यूज़ है, जो आर्टिकल ए इज़ यूज्ड विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो नाउन्स जो होते हैं ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ये एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वो हो गए जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास पेन है, कैट है, बैट है, पेन है या कुछ भी है। तो अनकाउंटेबल वो हो गए जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया। तो जब भी ये काउंटेबल नाउन स्टार्ट हो रहे हों कंसोनेंट साउंड के साथ, तो उसके साथ ए लगेगा, ये पहला इसका यूसेज है। जैसे आ कैट, कैट, सी, आप कैट बोलते हो, का, का में जब भी आप बोलते हो तो आपके स्पीच ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, इसलिए ये कंसोनेंट साउंड बन जाता है और इसलिए इसके साथ ए लग जाता है। अब दूसरा इसका यूसेज है, द आर्टिकल ए इज़ यूज्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स।
एब्स्ट्रैक्ट नोन्स वो होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, जिनको आप छू नहीं सकते, आप केवल और केवल उनको महसूस कर सकते हो। जैसे झूठ, दर्द, हवा, इनको आप टच नहीं कर सकते, इनको आप छू नहीं सकते, केवल आप इनको महसूस कर सकते हो। लेकिन इसमें भी ट्रुथ ऐसा है जिसके साथ दा लगेगा, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं और यही मैक्सिमम जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको देखना है कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं, राम नेवर टेल्स अ लाई, ही हैज़ अ पेन इन हिज नी। तो ये इसके यूसेजेस हैं। और ये भी देख लो आप, एक तो ये एब्स्ट्रैक्ट नोन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नोन जो भी होगा उसके साथ आपको ए और एन लगाना है। एन तब लगाना है अगर ये कंसोनेंट साउंड के साथ शुरू, सॉरी वावल साउंड के साथ शुरू हो रहा है। अब इसका थर्ड यूज है, द आर्टिकल ए इज़ यूज्ड विद द वावल यू व्हेन इट्स साउंड इज़ यू। तो आपने ये देखा होगा कई बार सेंटेंसेस में जो यूनिवर्सिटी या यूनियन के साथ ए लगा होता है, तो यही कारण है उसका कि ये जो यू की आवाज़ जब यू की तरह निकलती है, जैसे यूनिवर्सिटी, आप खुद प्रोनाउंस करके देखो, जब आप यूनि यूनि बोलोगे तो आपका स्पीच ऑर्गन जो है वो जीभ और ऊपर का तालू आपका मिलेगा और उसके बाद ये साउंड जो है ये कंसोनेंट साउंड बन जाती है। इसका फोर्थ यूसेज है, द आर्टिकल ए इज़ यूज्ड विद द प्रोफेशंस, कि किसी भी आदमी के पेशे के साथ कि वो क्या काम करता है उसके साथ आपने क्या लगाना है, ए लगाना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ही इज़ अ डॉक्टर, राधा इज़ अ टीचर, मधु इज़ अ नर्स। तो किसी भी प्रोफेशन के साथ आपको ए लगाना है। जब आप फिल इन द ब्लैंक्स आगे प्रैक्टिस में हम देखेंगे, आप लगाओगे तो आपके पास ये ब्लैंक्स आएंगे। आपने ये तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कंसोनेंट साउंड है, आपको ए लगाना है, लेकिन ए की जगह कई बार दा लगेगा, तो कहीं आप गलती से दा या फिर जीरो आर्टिकल ना भर दें। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि प्रोफेशन के साथ आर्टिकल ए लगता है। फिफ्थ यूसेज है इसका, द आर्टिकल ए इज़ यूज विद द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वावल ओ, लेकिन जब इसकी आवाज़ वा की तरह निकले। क्योंकि जब आप ओ बोलते हो, ओनियन ओनियन, तो आपका स्पीच ऑर्गन नहीं यूज़ होता और ये वावल साउंड रहती है, इसलिए इसके साथ एन ओनियन यूज़ होता है। लेकिन जब ओ की आवाज़ वा की तरह निकले तो तब ये 1 रुपी नोट, और 1 वे टिकट, 1, जैसे आप 1 बोलोगे, वा को बोलोगे, तो आपके ऊपर वाले दांत नीचे वाली लिप के साथ टकराएंगे और ये स्पीच ऑर्गन का यूज़ हो जाएगा, और इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये कंसोनेंट साउंड में कन्वर्ट हो गए और इसके साथ दा लगेगा। तो दोस्तों फिर हम अब आगे देखेंगे कि जो आर्टिकल एन के यूजेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैं ये आपको बता दूं कि ए और एन के जो यूजेज हैं ये कम ही हैं, लेकिन आर्टिकल जो दा है उसके यूसेज कम से कम 40 से 50 हैं। और उसके बाद जीरो आर्टिकल्स या ओमिशंस टू यूज़ आर्टिकल्स जो आएगा, जिसमें हमको कोई भी आर्टिकल नहीं भरना है, उसके वो भी काफ़ी 20 से 25 रूल हैं। तो जब हम ये सारे 50-60 रूल देख लेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको कोई भी दिक्कत आर्टिकल्स में नहीं होगी।